आप चाहे बाइक चलाते हो या कार, उसकी हेडलाइट समय के साथ धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है और फीकी पड़ने के साथ ये पूरी तरीके से वाइट हो जाती है, जो कार का इंप्रेशन और बाइक का इंप्रेशन पूरी तरीके से ख़राब करती है और उसे पुराना लुक देती है। और इसके लिए यदि आप मार्केट जाते हैं तो आपको कम से कम 200 से 300 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन टिप्स को जिनके थ्रू आप घर पर ही चंद मिनटों में अपनी इस हेडलाइट को बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं और आप पुराना लुक पा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनमें सबसे पहला मेथड जो और सबसे सिंपल मेथड है वो है हमारा कोलगेट। आप कोई भी कोलगेट जो टूथपेस्ट है आप घर में यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये कोलगेट टूथपेस्ट है, ना कि कोलगेट जेल। किसी भी जेल टूथपेस्ट को आप यूज़ ना करें। यहाँ पर मैं सिंपली कोलगेट को लेता हूँ और इस तरीके से अपनी हेडलाइट पर पूरा स्प्रेड कर देता हूँ। आपको ये पूरा पेस्ट इस हेडलाइट पर अच्छे से लगाना है। फ्रेंड्स, हमने अपना कोलगेट पूरी तरीके से लाइट पर स्प्रेड कर लिया है। अब आप इसे पूरे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं इसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं और आइए हम देखते हैं कि हमारी हेडलाइट क्लीन हुई है या नहीं। इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी यहाँ डालता हूँ और अब इस कोलगेट को धीरे धीरे क्लीन करता हूँ। क्लीनिंग के लिए आपके पास 2-3 आपको मटेरियल लग सकते हैं, अलग अलग कपड़े आप लें। अब आप साफ कपड़े से अपनी लाइट को क्लीन करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइट हमारी पूरी तरीके से क्लीन हो गई है, चमक पुरानी वाली वापस इसमें आ गई है और बहुत इजीली हमने 5 मिनट में इस लाइट को क्लीन कर लिया। फ्रेंड्स, हेडलाइट क्लीन करने का हमारा दूसरा तरीका है थ्रू बेकिंग सोडा। खाने का सोडा हमारे घर पर इजीली अवेलेबल होता है। आप सिंपली अपने बेकिंग सोडा को आप लीजिए और एक सिंपल से बाउल में निकालिए, कुछ इस तरह से। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए और इस बने हुए सॉल्यूशन को अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से हमारे पास एक फोम जैसा मटेरियल बन जाता है। अब आप इसे लाइट पर अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। ये लगाने से पहले आप एक बार लाइट को एक कपड़े से पूरा गीला कर सकते हैं ताकि इसमें थोड़ी नमी आ जाए। अब इसे हल्का हल्का रब करते रहें। इसके साथ ही आप किसी रफ अपने कपड़े से इस हेडलाइट को धीरे धीरे जेंटली रब करना शुरू कर दीजिए और ये रबिंग आपको 5 मिनट के लिए करनी है। फ्रेंड्स, 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम अपनी हेडलाइट को क्लीन करके देखते हैं कि क्या आखिर में ये लाइट क्लीन हुई है या नहीं। हम एक बार अच्छे से इस पर थोड़ा सा जेंटली कुछ पानी डालते हैं और इसे हम क्लीन करके देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, हमारी लाइट पूरी तरीके से साफ़ हो चुकी है, बिल्कुल चमक चुकी है और बहुत इजीली 5 मिनट में हमने इस लाइट को पूरा साफ़ कर दिया, जिसके लिए आपको मार्केट जाने की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको और भी रोचक वीडियो के अपडेट समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।